तो भाई हम घर से मेरी लग चुकी है, करने में आसानी होगी, कुछ खोना पड़ता है। अब चलते अपने घर, किला है ये, टकरा जाती साली। ओ भाई रुक जाओ रुक जाओ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 6। तो आज मैं उठ चुका हूँ साइकिल राइडिंग के लिए। तो मैं आज अकेले जा रहा हूँ क्योंकि एक लड़का मेरे साथ जाने वाला था पर वो नहीं जा रहा है। कोली ने उठा, जाएगा कहाँ से? तो अपन अकेले जाने वाले में अब चलते हैं, अपनी साइकिल निकालते हैं। और साइकिल मैं कौन सी ले जा रहा हूँ? मेरी 10th क्लास की साइकिल, पुरानी वाली। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाती है वो और कितना चला पाता हूँ मैं। जहाँ तक जाऊँगा वहीं तक जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर क्या फालतू पैदल आना पड़ेगा। इससे अच्छा जहाँ तक जाना हो वहाँ तक जाओ, उससे वापस आ जाओ, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। चलो निकलते घर से, अपन फटाफट अपर ऊपर पहन के निकलते हैं, तो आप लोग मिलते हैं रास्ते पे। भाई चलो निकलते हैं, अपनी साइकिल है रेडी और हमें रेडी, अंधेरा बहुत है जिसके कारण मुझे लाइट जलानी पड़ रही है। चलो अब निकलते हैं अकेले ही। अब भाई हम घर से तो निकल चुके हैं, जा रहे पर थोड़ी दूर आ तब भी पैर बहुत दुखने लगा है। चलो चलते आगे अभी। तो भाई अभी हम आसिमा तक आ चुके हैं और इतने में मेरी लग चुकी है। तब देखते हैं साइकिल वाला जो रेड वाई रोड है उस पर साइकिल लेके चलते हैं अपन और उस पर चलाते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया भाई, इतने में ही मेरा लग नहीं रहा कि मुझसे पूरा हो पाएगा, पर देखते हैं कर लेंगे क्योंकि आज भाई 2 साल बाद जब साइकिल चलाओ ना तो ऐसा ही होता है। चलो करने की पूरी कोशिश करते हैं अपन। तो मैंने पहला स्टॉप अपना लिया है आसिमा मॉल के पास, अब यहाँ से दूसरा स्टॉप लूँगा, हो सके व्यू पे व्यू लूँगा या आगे चल के जहाँ तक चला जाऊँगा जाऊँगा कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और अभी अभी अपन ने एक पानी पाउच भी खरीद लिया क्योंकि अपन ने बाटल लाना भूल चुके हैं, तो एक पानी पाउच भी ले लिए हैं। कोई नहीं, चलते हैं आज पहला। देख लो भाई, एक हाथ से ब्लॉगिंग एक हाथ से साइकिलिंग, दोनों चीज़ साथ करनी पड़ रही है। कोई ना, कर लेंगे, मेहनत करनी पड़ती है, अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो ये सामने रास्ता ऐसा है, वो मेन दिक्कत यहाँ से आती है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ बचा बचा बचा, मेन दिक्कत यहाँ से आती है, टकरा जाती साली अगर एक हाथ से चलाओ तो। चलो चलते हैं आगे, क्या पता साला इतने भी थक गया हूँ, जिम में इतना ही थकता था यार, यहाँ साला थोड़े भी थक गया हूँ। कोई नहीं, होता है पहली पहली बार, सबके साथ यही होता है भाई, हमारे साथ क्या, सबके साथ। अभी अपन आ चुके हैं डी मार्ट के पास आ चुके हैं, अब चलते अपना धीरे धीरे। तो भाई लोग अभी मैं बक्सवाले पहुँच चुका हूँ, मेरा दूसरा स्टॉप लेना कहीं पे मन करके, मैं सोचा व्यू पे लूँगा पर यह भी मन करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पर पानी अभी नहीं पी रहा हूँ मैं, पानी में व्यू के आगे जाके पीऊँगा। चलो अब आगे चलते हैं। भाई अभी मैं व्यू के आगे आ चुका हूँ, यहाँ पे अपना तीसरा स्टॉप लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया था और पानी पीने की मतलब फुल चाहत थी, इसलिए पानी पिया और यहाँ पर रुका हूँ। अब यहाँ से जाता हूँ जो अभी नई वाली ब्रिज बनी है, ओवर ब्रिज बनी है, वहाँ तक जाऊँगा। चलो निकलते हैं यहाँ से क्योंकि घर भी जल्दी जाना है अभी तो हमें। तो भाई माय भोपाल पे आ चुके हैं और अपन को चल रहे हैं उधर सीधे एकदम ऊपर। चलो उधर चलते हैं, चढ़ने उधर दिक्कत होगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी चढ़ाई है तो चढ़ते बहुत मुश्किल चढ़ेंगे, उतरने में आसानी होगी कि ढलान है फिर इधर साइड, उतरने में आसानी होगी। चलो नीचे थोड़ा चढ़ते और चढ़ते हैं। चलो अब करते हैं रोड क्रॉस, कार आ रही आगे पीछे देख के करना पड़ेगा, ये सामने। अब इसके ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने के लिए अपने को फ़ोन रखना पड़ेगा, हाँ तभी अपन चढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक अपन फ़ोन नहीं रखेंगे तब तक हो सके कि साइकिल मुझे खड़े होकर चलानी पड़ेगी, क्योंकि देख लो एकदम ऊँची ऊँची जाना है। ये देखो पहला मिशन अपना लगता है पूरा होते हुए यहाँ तक आने का, कोई ना अब अगला वाला और आगे तक जाने का पूरा करेंगे अगला बार। हो सोच अभी कलिया सोच जाने का, अभी से साइकिल में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, ये साइकिल चल नहीं पाती है, साइकिल थोड़ी दूसरी ले लूँ उसके बाद साइकिल से लंबी लंबी राइड मारा करूँगा। तो भाई ब्रिज तक आ चुका हूँ, अब इससे आगे नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे वापस से प्यास लग गई, तो मुझे दुकान ढूंढ के पानी खरीदना पड़ेगा क्योंकि मैं बोतल लेके नहीं आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया ना। ये देखो सामने का ऐसा व्यू है, ये ब्रिजपुरी और ये इस साइड, तब अपन यहीं तक है, यहाँ जाएंगे सोचते कहा फोटो क्लिक करा रहे दिख जाए, फोटो क्लिक करवा ले पर कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई नहीं, चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठते हैं उसके बाद हो सके निकलेंगे। अपन ने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया है और अपन सोच अब उस साइड चलते हैं, उधर बाद थोड़ा खड़ा आप लोग उधर का व्यू दिखा देते कैसा है, उधर ज़्यादा से व्यू दिखता है। चलो उस साइड चलते हैं, उधर से फिर अपन घर निकल चलेंगे। तो अपन उठाते साइकिल, चलो भाई चलते नहीं बन रहा अब तो, चलो बेबी चलो। अपन दूसरी साइड आ चुके ब्रिज के,
अभी एक अच्छा बंदा मिला भाई, जिससे मैंने बोला भाई फोटो एक क्लिक कर दे, तो उसने क्लिक कर दिया, फोटो आ चुकी है थंबनेल के लिए। मतलब वो मेरे सामने है BSS कॉलेज, ये देखो ये है BSS कॉलेज। और ये पता क्या है, ये पर ग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, अभी तो कब इसमें घास है, पर अभी जब घास है ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सामने BSS, तो बस अपना जो रेस्ट का टाइम था ख़त्म, अपन ने बहुत रेस्ट कर लिया, अपन को निकलना है घर, हो सके घर जल्दी पहुंच जाऊंगा तो राज स्कूल भी जाएगा साइकिल लेके, राज से साइकिल लेकर आया हूँ। और ये साइकिल मैं जब चला था, जब मैं टेंथ में था, जब मैं टेंथ में कोचिंग जाता था, मतलब घर से ज़्यादा दूर को नहीं जाना पड़ता, जब कोचिंग जाता था तब मैं साइकिल यूज़ करता था। उसके बाद मैं टेंथ कोचिंग के बाद फिर उसके बाद साइकिल छोड़ा, तो ज़्यादा नहीं चलाया, 11th में चलाया था, फिर उसके बाद नहीं चलाया, उसके बाद अब चला रहा हूँ। आज 2 साल बाद साइकिल लेकर आया हूँ, इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा मर रही है, कोई नहीं होता है, धीरे धीरे अब लाते रहेंगे, संडे वनडे के भी जाते रहेंगे। और इधर साइकिल चला के मज़ा आ रहा है, क्योंकि इधर पेडल नहीं मारना पड़ रहा, सीधे सीधे साइकिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो साला एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, एक हाथ साइकिल पकड़ो, साइकिल ढंग का ब्रेक भी नहीं है, सोचो अगर जा तेजिंग बहुत अंदर घुस सकता हूँ मैं सीधे, इसलिए पेडल एकदम स्लो स्लो जाने दे रहा हूँ। मज़ा आ गया पर आज बहुत मज़ा, कसम से बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया, इतनी दूर पर साइकिल लेके आ चुके हैं, अब और आगे जाने की कोशिश करेंगे। चलो अब निकलते हैं घर, और ब्रिज से अपन बहुत जल्दी चढ़ने में टाइम लगा, जितना उतरने बहुत कम टाइम लगा, तो अपन नीचे उतर चुके हैं ये देखो, तो अब फटाफट निकलते हैं घर। चलो तो भाई अभी माय भोपाल के पास आ चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ खड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा है, यहाँ बैठने का भी, पर अभी ओस में गीला है ये, तो यहाँ नहीं बैठ सकते, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते यहाँ पे, उसके बाद अपन निकल लेंगे घर। और पीछे अपने माय भोपाल, ये भाई ये से लिखा बहुत अच्छा लगता है। चलो अपना यहाँ का जो भी रेस्ट था, यहाँ वाला भी रेस्ट पूरा, अब वापस में यहाँ से निकलते हैं, अपनी साइकिल उठा के कहाँ गई, साइकिल उठा के यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं घर, और चलते हैं घर और क्या, और बाकी फिर देखते हैं अब शाम को कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे तो आप लोग आगे वीडियो पता चलता रहेगा। चलो भैया निकल लेते हैं, ओहो भाई पिछवाड़ा दर्द देने लगा है, साइकिल बैठे बैठे साला, चलो चलते हैं। और अभी हो सके संतोष भैया को यानी हेडफोन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये व्यू आगे होंगे तो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रनिंग करने आते हैं और मैं साइकिलिंग करने मैं लेके आ गया, रनिंग करने जाते वो लेके चले जाते थे, कोई नहीं अगर देखते फोन लगाऊंगा, अगर आगे होंगे दे दूंगा, नहीं आए होंगे तो घर लेके चला जाऊंगा। ओ भाई ये मेन दिक्कत है, ये चीज़ साला मेन दिक्कत है, मैं इसमें मेरी साइकिल टकराई जाती है, कोई नहीं अपन हाईवे चलेंगे। ओ भाई बच गया, पैर स्लिप हो रहा अब तो। चलो भाई आसिबा पहुँच चुका हूँ, पीछे है आगे है, मतलब आसिबा पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जितना जाने में लगा उससे बहुत कम टाइम यहाँ आने पर लगा। चलो चलते अब घर, सुबह लोग घर आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तभी मम्मी चाय बनाए कुछ खाने खाऊंगा, देखता हूँ क्या बनाती खाने के लिए, खाऊंगा उसके बाद अपनी शॉप पे जाना है। और मैं नहा के आ चुका हूँ, मुझे अभी जाना है राज का आधार कार्ड निकलवाने, क्योंकि राज को वैक्सीन लगनी है, तो आधार कार्ड उसके पास नहीं है, तो उसका आधार कार्ड निकलवाने जाना है। चलते हैं यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा पे अगर निकलता है वहाँ निकलवाएंगे, नहीं तो फिर आसिमा मॉल जाना पड़ेगा। चलो निकलते पहले यहाँ से, बड़ौदा आ चुके हैं, ये है सामने बैंक, चलते अंदर इसका आधार कराते हैं अपडेट। तो भाई अभी हम आधार उधर अपडेट करा के अब जा रहे हैं घर, तो चलो आप लोगों से घर पे मिलते हैं, अभी हमें कृष्णा मार्केट में, कृष्णा मार्केट से थोड़ा दूर ही हमारा घर, ज़्यादा दूर नहीं है, चलो निकलते हैं। वाले लोग घर आ चुके हैं, चलो थोड़ा सोते हैं, उसके बाद आप लोगों से वापस मिलते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे जगाना है, जैसे चलो सोते जाके अब पहले। अरे किसी ऐसे कि मेरी गाड़ी खो चुका है पेट्रोल खत्म, तो अभी जा रहा हूँ पेट्रोल लेने, तो मैंने अभी पवन को बुलाया, पवन आ रहा है उसके बाद जाते हैं, क्योंकि मुझे कहीं जरूरी काम से जाना था पर अब नहीं जा पाया हूँ, कोई नहीं मैंने डलवाना भूल गया तो लगता है खत्म हो गया, चलो पवन आ जाए, निकलते हैं पेट्रोल लेकर आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब चलते हैं अपने घर, और घर में गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, और देखो इस पेट्रोल पंप वाले मुझे पेट्रोल दिया था, देख लो इसको, देख लो पेट्रोल देते हैं बाटल पे, देख लो हम पूरी तरह से ट्रैफिक में फंसे हुए, ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक भाई, माँ कसम वहाँ से निकले तब भी ट्रैफिक, यहाँ से तब भी ट्रैफिक, नहीं हटाएगा भाई वो। पेट्रोल लेके घर आ चुका हूँ और गाड़ी में पेट्रोल डाल चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा कहीं बाहर जाना है, तो वहाँ ब्लॉग शूट नहीं कर सकता, इसलिए इस वीडियो कर देते हैं यहीं पर एंड। और कल फिर से साइकिलिंग पे जाऊंगा, तो वो अगले वाले ब्लॉग में पता रहेगा। अब मैं साइकिलिंग करता रहूंगा, ज़्यादातर हो सके साइकिलिंग का ही ब्लॉग डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमने शाम को जा नहीं रहा, बाकी मॉर्निंग में जाता हूँ, क्योंकि कोई फ्रेंड घूमने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मैं अकेले जाता हूँ, अभी मॉर्निंग में जाऊँगा साइकिलिंग करने, तभी ब्लॉग आया करेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।